पर 3 बार 4 बार आपके दरवाजे आए हैं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, और लेकिन ये बेटियां सड़कों पे बैठी हैं, हम किसी की बेटी हैं? बेटियां ही तो बैठी होंगी ना, आपकी बेटी सारे घर बार छोड़ मेरी बहने हो आप, बेटी नहीं है आपकी तो बहन, फिर आप हमारी आवाज भी तो पहुँचा, अगर राखी बांध के जावांगे जब मनोगे नमस्कार। मैं अजय और भाई आज जड़ा खड़ा हूँ वह शोभा करने वाली जगह है, माननीय तीसरी योजना से विधायक घनश्याम दास राव पूर्व मंत्री की कोठी निवास स्थान है, और ये यहाँ की रिहायशी मकान वाले जो रहे हैं। तो दो बात पहले इन तक करूँगा, बाद में आगन चलूँगा कि विधायक की कोठी है, आए दिन धरने प्रदर्शन तो होते रहे, यानी उड़े तो मेला सा भरा रहे। नमस्ते, ये बात तो है। हाँ, भी मेला सा भरा रहे, बिल्कुल भरा रहे जी, रोज बहुत भरा रहे, दूसरा दिन तीसरा दिन पावे है उड़े कोई ना कोई, यानी दुखिया चाहता है सुखी। हाँ, कम लागे हैं बिल्कुल, के मानो एमएलए हो था तो पड़ोसी है बाजो, तो इसमें अकेला एमएलए भी किया करे, जब तक आगत है कोई जवाब नहीं आ, वोट तो फिर एमएलए लेके चक्कर तो यही है, वोट तो एमएलए सरकार लेके बनावे है बिल्कुल है? जी ये और काले है ना बिल्कुल, यानी ये बात तो सारा तो जी लग रहा है, ये तो है जी लग रहा है, तो आए दिन धरना प्रदर्शन एमएलए की कोठी आ गए। नमस्कार, देखे जा सके हैं, अब ये आंगनबाड़ी वर्कर है, दिसंबर के महीने से हड़ताल प्रदर्शन सब काम कर रही, और कभी ये कोर्ट परिसर के आगे बैठ जाए, कभी कोर्ट परिसर के आगे बैठे रहे हैं, आए दिन आंधी आओ मी आओ धूप पड़ो धुंध पड़ो जाड़ा पड़ो गर्मी पड़ो कुछ पड़ो, ये वो वर्कर हैं वो हेल्पर हैं जो चाहे कोरोना काल था चाहे कैसे भी काल था, इन्होंने तपस्या करी आम लोगों के लिए, और वहाँ पहुँचे जहाँ तक ये नेता सोच भी नहीं सकते। और ये देखें आज आपको एक और दिखाता हूँ, ये 3 शेर हैं, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, मेंबर ऑफ हरियाणा विधानसभा लिखा हुआ है, हरियाणा विधानसभा एमएलए, अब एमएलए की कोठी और एमएलए की गाड़ी का गई सौदा हो रहा है, जो कई महीने हो लिए इन बैठे हैं, लेकिन इन कर्मचारियों की इन वर्कर की इन हेल्पर की कोई कौन सोचना है, महिलाएं हैं किस तरह आवे हैं किस तरह काम चलता हुआ, लेकिन आज बात तो इन तक कराऊंगा कि आए दिन ये शहर की रोडों पर दिखे, कदे उस रोड पर प्रदर्शन कभी उस रोड पर प्रदर्शन, तो आज बात इन्हीं हेल्परों से कि के मांग है और के मांग सरकार पूरी करन कौन लाग रही, क्योंकि सरकार तो कहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटियां तो रोड़ा पाके बैठी एमएलए की कोठी के बाहर आगे आके बैठी हैं, बात वर्करों से हेल्परों से, और उरे देखूंगा। नमस्ते, कै दिन हो गए प्रदर्शन करता ने, आप बोल दो भी, अभी तो आए रहे भाजन हैं, 62 दिन हो गया, तो क्या मांग और कहाँ कहाँ पे आपकी मांगे जा चुकी जो आप किस किस से मिल चुके? हम तो मिल एमएलए तो सारे तो मिल लिए, मंत्रिया तो हम भिवाणी में सारे तो मिल लिए, विधायक तो भी मिल लिए, और हम खट्टर का भी मिल लिए, हमने आज 62 दिन धरना हो गया, जायज मांग थी मेरी जो 2018 में इसने अपने मुँह तो क्या था कुशल अर्ध कुशल श्रेणी दूंगा, फिर हम दिल्ली गए थे वहाँ मोदी ने अपने बोला था खुद दिवाली का तोहफा दूंगा 1500 और 750, खुद सेना ने बोला अभी हमारे आज तक 2018 से 22 आ गए इन्होंने लागू नहीं किया, हम इन्हीं मांगों के लिए हम आज तक 62 दिन हो गए इस धरना पर बैठी हुई, सभी बहने जब तक हमारी ये मांग नहीं मानेगा हम एकता के साथ यहीं बैठी रहेंगे। तो आप तो दिसंबर के महीने से 62 दिन हो चुके, तो तपस्या कर रहे, एक तरफ तो सरकार कहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ तो बेटी तो एमएलए की कोठी जाते हैं, एक तरफ सरकार का कह रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम भी तो किसी की बेटी होंगे जो हम आज रोडों पर बिठा रहे, 62 दिन हो गए बहनों, और लेडीज एक दिन के लिए घर से निकलना कितना मुश्किल, और आज हमें 62 दिन हो गए, तो हमारी कोई मांग होगी इसीलिए हम बैठे हैं ना, यहाँ कोई फालतू थोड़े हम जो घर से यहाँ बैठे, आज एमएलए की कोठी का भजन कीर्तन होने लग गया,
यो कितनी शोभा बन गया एमएलए की, ये ना ये गलत है, ये हमारा गलत है। मैं अभी बात करूंगा इसके, वो तो ये अभी होया सब, वो तो नारे उसके खट्टर के खिलाफ बोला था भजन, वो तो उन्होंने रागनी, वो तो खट्टर के मोदी के खिलाफ है, हाँ खट्टर को बदलो और वो करो उसके लिए था, अभी ये बोल दिया बस। अच्छी बात है तो, हाँ करा दूंगी, समझे नहीं मेरी बात, सुने माते महिला कितनी की वक्ता बन जाएगी, कितने की दिल बोल लेगी, वो लगे था क्या घंटों घूरा बैठे, हम अभी क्या करा फिर बैठना पड़ेगा, घंटों के आए हमें देख लो, हम 11 बजे आए थे, 11 बजे आए थे हाँ, और एक बज गया और अभी कोई आज को नहीं है, मैं ले आ लिया, आया तो था, आ लिया क्या हाँ। बोले क्या कहा, वो कह रहा था दे दो, हमने दिया नहीं अभी उनको, दिया को नहीं ये करके, 2 बजे तक हम नहीं उठेंगे, तब तक हमारी सारी वो खुद इसमें अनाउंसमेंट करेगा ना, वो बोला मेरे को ज्ञापन दे दो, जो भाई भाषण भी दे सकता है, हमारे से बात भी कर सकता है, बात तो करेगा फिर, बोल नहीं करी, वो बात नहीं करी, वो बोला मेरे को दे दो ज्ञापन, हमें ऐसे नहीं ज्ञापन देंगे, मत आप आओ अनाउंसमेंट, उन्होंने ऐसे खड़े होके औरत के इज्जत तक पेश आना चाहिए, अभी इतनी औरत बैठी है किस लिए बैठी है, इज्जत तक बात करो, हम ज्ञापन देने के लिए, अरे हमारी बात अगर संसद में उठाओ, जब तक हमारी बात नहीं उठाओगा सी हमने कितना टाइम लग जियो, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। तो एक तरफ किसान 750 किसानों की तरफ शहादत हुई, एक साल तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, जब जीते, आज आप लोग भी धूप देखो ना, छाप देखो ना भाई, गर्मी देखो ना, बारिश देखो ना, तो हम 2 महीने से चाहे बारिश हो, बोलो रजवाला, ये पोस्ट करोगे, बोल दो, बोल दे, देखो बारिश आई आंधी आई, हम तो यहीं बैठे रहे, आज तक हमारे पास डीसी कोई भी लेने के लिए नहीं आया, आज ये घनश्याम साहब आए तो थे, लेकिन आज हमने नहीं दिया इनको, हम बोले पहले तो आप बोलो हमारे इसमें स्पीकर में, और हम ऐसे बात करो, आज पसंद दे, हाँ वो बोलेगा अपन दे दो जी, ऐसे ज्ञापन नहीं देंगे, 2 बजे तक मखा आपके आवास पे हम यहीं बैठे, 2 बजे तक तो छाती बैठे, हाँ कह दिया हमने आपकी छाती पे यहीं बैठे रहेंगे, तो 2 बजे तक क्या कहेंगे, छाती बैठे रहोगे, हम तो विधायक विधायक नहीं मंत्रियों की भी छाती के ऊपर बैठेंगे, अब जा जा करके जब पत्रकार भी हो सारे काम कर ले हो, लेकिन बेरा को बटन ला जाके औरत हर चीज में सक्षम होती है, चाहे वो पत्रकारिता करती हो, चाहे वो अन्य किसी फील्ड में हो, चाहे समाज सेविका हो, कोई भी हो, औरत हमेशा सक्षम होती है, और औरत में आदमी से ज्यादा पावर होती है, ये हम महसूस भी करते हैं। और रही बात हमारी मांगों की, हमारी मांग जब तक नहीं मानी जाएंगी हमारा धरना नहीं उठेगा, चाहे अभी तो हमें 62 दिन हुए हैं, चाहे हमें और 162 दिन हो जाए हम नहीं हटेंगे, सामने वाली भाषा बोलने लगे हैं, भी मेरा पार्टी का देश ना, क्योंकि लोकतंत्र में शक्ति बहुत है, हाँ साहब बोलो, मैं बात पूछ गया वाली भाषा बोलने लगे हैं, बिल्कुल जिस प्रकार किसान बैठे थे ना, ये राह की व्यवस्था है, उरे बहन बेटी बैठी है, ये दुर्भाग्य है इस शहर के लिए, इस विधानसभा के लिए, कि उरे तो सुसरे की खाट है और उरे बहू का पिछला है, क्योंकि उरे तो आना जाना है, और उरे बाण बेटी रूम कर्मचारी रूम है, आज उरे बैठ गई, और एमएलए साहब आवे हैं ज्ञापन दे दो, अंदर के अंदर ज्ञापन नहीं, इन्होंने कहा ज्ञापन ऐसे नहीं देंगे, अब की बार माइक पे आगे कुछ आश्वासन दें, ताकि हम आगे भी मान सके कि हाँ हमारा एमएलए कुछ हमारे लिए करने की तैयारी करेगा, लेकिन एक काम तो कर दिया, थाने की पुलिस हो चौकी पुलिस हो वह बिठा दी, अब ये पता नहीं ये आदमी पाकिस्तान से आए हैं अफगानिस्तान के हैं, ये देशद्रोही हैं कि एमएलए ने खतरा हो गया, लेकिन वही बहन बेटियां हैं उनने की वर्कर हैं उनने की हल्के की हैं, लेकिन आज ये है इनके बीच में दीवार खड़ी कर दी एमएलए कोठी के बीच में, इनके बीच में पुलिस प्रशासन बिठा दिया मुस्तैद कुर्सियों पर, दिखाने के लिए डराने के लिए, हाँ कि कोई बोल ले ना, बस वो बोले जो चाहती हो सरकार जी, क्या कहेंगे सर आज के इस धरने को देखते हुए, आज का ये जी 63वां दिन का धरना आंगनबाड़ी का, हड़ताल जो चली हुई है, और नई मांग कोई नहीं है, मांग यह है कि 2018 में प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा करी थी उसी को लागू करवाने के लिए, इतनी मतलब सर्दी में भी बारिश में भी ये आंगनबाड़ी कर्मी लगी हुई है, और यह बेशरम सरकार इतनी हठधर्मी पड़ी हुई है, जिसको लेके आंगनबाड़ी वर्कर ये कहना चाहती है कि जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं होगा हम लगातार अंतराल में जारी रहेंगे, कि सरकार के हाथ में जूझना है, हर 5 साल के लिए हर साल आगे पकड़ा दिया है, ऐसे ही हो रहा है जी, जनता की जो असली मुद्दे हैं, नीति हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और तमाम चीज़ों पर लागू ना होके आज निजीकरण का, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, इस तरह के मुद्दे उठा के ना ये आवाज आज एमएलए साहब सुन पाएंगे,
जो आवाज लगाई जा नारे लगाए जा रहे एमएलए को सुनना खातिर ही आज का ये हमारा कार्यक्रम था। कल कृषि मंत्री के आवास पे था, जिसको लेके आंगनबाड़ी लगातार पूरा हरियाणा में कोई भी मंत्री संतरी सबके आवासों पे जा चुकी है, लेकिन 90 के 90 एमएलए में किसी ने भी सुनवाई नहीं की है। चलो अब वहाँ मांगता हूँ, बोलता हूँ कि अधिकार मांगते हैं, लेकिन एमएलए की को ठीक आ गया, अधिकार मांगने की तैयारी कर रहे हैं। अब किस प्रकार से इनको अधिकार मिल पाएंगे, किस प्रकार से इनकी व्यवस्था बनेगी? नमस्कार मैम, बताएं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, नहीं करो तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, नहीं करो तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नमस्कार, नमस्कार, अरे पहले बैठ दे रहे हैं। क्या कहेंगे आज का जो नारे हैं, आज जो एकता है दिखाई जा रही, क्या एमएलए की गूंज तक जाएगी या मुख्यमंत्री को सुनेंगे, भाजपा सरकार को सुन पाएंगे क्या? ये जी दिसंबर माह से हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये जो हो रहा है जी, सुनाने की कोशिश हम कर रहे हैं और सरकार सुन भी रही है, लेकिन सुन के भी अनसुना कर रही है सरकार। हम आज से नहीं बैठे हैं, 2 महीने हो गए, पूरी सर्दी हमने रोड के ऊपर निकाल दी। और 2018 का ये समझौता, कोई हमारी नई मांग नहीं है। 2018 में मुख्यमंत्री साहब ने जो बोला था कुशल और अकुशल का, कि श्रेणी में आपको डाला जाएगा, और ये अपने आप उन्होंने घोषणा की थी जो आज तक लागू नहीं की। फिर केंद्र सरकार ने हमें दिया 750 हेल्पर का और 1500 वर्कर का, वो भी केंद्र हरियाणा सरकार ने दबा लिया, आज तक हमें नहीं मिला। तो ये जो ये बातें हैं, ये जुमले के ऊपर आधारित हैं, हर साल के बाद आए को नया जुमला फोड़ दे, कभी ताले बजाओ, कभी थाली बजाओ, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो, यानी ये है कि कुछ करवाते रहना है, करना कुछ नहीं है। करना कुछ नहीं जी, वो सिर्फ ये है कि उनको हेडलाइन में रहना है। ये सरकार की आज की राजनीति होगी कि उनको हेडलाइन अपने आप में बनाना है, बाकी जनता तक उन्होंने कुछ नहीं पहुँचाना। ये भी सब जुमलेबाजी वो कर रहे हैं, कभी ताड़ी बजवाना, आपकी बात भी सही है कि ये वो अपने आप कर रहे हैं, बाकी जनता उनसे खुश नहीं है, क्योंकि अगर खुश होती तो आज ये बहनें 2 महीनों से रोड पर नहीं होती। तो आज आपके डिपार्टमेंट की बात करें, पूरे हरियाणा की बात की जाए, तो क्या परिस्थिति आपके डिपार्टमेंट में है, किस प्रकार के उन बच्चों को भोजन पर पहुँचाया जा रहा है? क्योंकि आज वर्कर है और कर्मचारी है, वो तो आज धरने पर हैं, चाहे लघु सचिव वाले हो, चाहे एमएलए कोठी हो, चाहे कृषि मंत्री कोठी हो, चाहे कोई बाय रोड हो, हाल तो यही है दिसंबर से। हाँ जी, 8 दिसंबर से हम धरने पर हैं, और कोशिश हमारी भी यही है। देखो, हमारा भी जी दुखी पाता उस चीज़ से, क्योंकि गर्भवती औरतें भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, और जो सेंटरों में राशन वो ख़राब भी हो रहा है। हमने विभाग को लिखित में दे दिया, क्योंकि या तो आप हमारे साथ आ जाओ, जो हमारी मांगे हैं वो जायज हैं, और सरकार के जो हम लड़ रहे हैं उसमें हमारा सहयोग दो। ये हमें बार बार हम लिख के दे रहे हैं, जो भी कुछ खराब हो रहा है, जो हो रहा है वो विभाग का हो रहा है। हमने सरकार को भी बोल दिया CID के माध्यम से कि आप हमारे जो बात करके, ये जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी जो मांगे हैं। नहीं, आप 2 महीने से बोल रहे हैं ना मैम, 2 महीने तो दिसंबर से लगे हुए हैं, आप तो बोल ही रहे हैं, लेकिन सरकार की सिर के ऊपर जून नहीं रहेंगे, क्या कर मानते हैं सरकार? या आपको हड़कम ले रहे हैं, आपको मानते नहीं है? नहीं, सरकार का यही है जी, सरकार ऐसे बोल रही है, हरियाणा सरकार तो पहले ही बहुत ज्यादा दे रही है, तो आपको आगे नहीं दे सकती, आके नहीं दे सकती। तो हम ये कहते हैं कि जब आपने घोषणाएं करी उस टाइम आपको नहीं पता था कि सरकार तो बहुत ज्यादा पहले ही दे रही है, उस टाइम तो हमने नहीं बोला था। आपने मुख्यमंत्री साहब ने जो बोला, दिवाली का तोहफा हमें दिया था, हमने तो नहीं कहा था कि हमें तोहफा दीजिए आप, अपने आप उन्होंने कहा था। और एक और बात सर, जब कोई किसी भी तरह की महामारी लगा लो, इंजेक्शन है और कोई है कुछ भी है, तो सबसे पहले कौन होता है? आंगनवाड़ी वर्कर। हर चीज़ में हमें पता भी नहीं होता कहाँ इंजेक्शन लगना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन विभाग के द्वारा ड्यूटी लगा दी जाती है हमारी, कि वहाँ पे आपको ड्यूटी करनी ही करनी है, और ड्यूटी और हम ड्यूटी करते हैं। क्या करते हैं ड्यूटी दौरान में? करना क्या है जी, कुछ भी नहीं करना। वहाँ पे वो बोल देते हैं कि भाई आप इंजेक्शन की जो रिपोर्ट है उसमें हमें बिठा लेते हैं, और जैसे बच्चे को बुलाने, मोटिवेट करने के लिए। इंजेक्शन लगाना काम नहीं, इंजेक्शन अब दवाई है, छोटी सी बात है, दवाई है। अब आगे किसी कोई बताएगा तभी तो हमें को पता चलेगा। मरने मारने के लिए तो आंगनवाड़ी वर्कर थी, लेकिन आज सुनो हतरा आंगनवाड़ी वर्कर के लिए नहीं है, वेतन नहीं देना चाहते, ये काम करवाना चाहते हैं,
जन्म से लेके हम जन्म के बाद पेट बच्चा पड़ता है उससे लेके और जब बच्चा 6 साल तक का नहीं होता उसकी संभाल आंगनवाड़ी वर्कर करती है और ऐसी ऐसी दवाइयां पेटियां आंगनवाड़ी में भेज दी जाती है जो नाक में पानी एक मुंह पानी ये भी नहीं पता होता हमें और वो काम हमें करना पड़ता है चाहे कोई मर और चाहे जियो उसकी जिम्मेदारी आंगनवाड़ी वर्कर पर नहीं नील करें तो डिपार्टमेंट वैसे परेशान करता है ना किसी को दे तो वैसे परेशान क्योंकि पूछते हैं तुम्हें दवाई मिली ना हम कौन से डॉक्टर हैं इन्होंने BLO बना दिए वोट काटो बनाओ उनकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर डॉक्टर हम बना दिए बिना डिग्री के डॉक्टर हाँ सारे काम हम करा हाँ और आज काम रुपये देने खातर इनका नुजोर पड़ा है ये करें के हैं बीजेपी का ये जुमलेबाजी बीजेपी के कर हम ये पूछना चाहते हैं बीजेपी से बढ़ा के अपने मुंह से बोल के उसको ये संसद में बोलते हैं कि मैं कुशल अकुशल का दर्जा दूंगा और पूरे भारत में नंबर वन हरियाणा है और आज अपनी बात से पीछे हट रहा है कि मैंने ये कहा ही नहीं था हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं क्या ये उसकी मलकियत है जो हाँ भर के मना कर देता है हमारी प्रजा का पैसा है प्रजा के लिए हम काम कर रहे हैं और हमें ही नहीं मिलेगा काम करने का तो हम फिर कैसे करेंगे अपने परिवार को कैसे पालेंगे उसे कोई पूछ के तो देखे 6-6 हज़ार में वो घर पाल लेगा क्या अपने खुद तो रांडा है सब नरांडे बना के रख रहा है नू सोचा है कि मेरा खर्चा को नहीं तो इनका भी कौन खुद इतने भत्ते सब कुछ लेने लग रहा है आज आपके बीच में दीवार खड़ी कर दी भाई ये डिपार्टमेंट बिठा दिया वो MLA कोठी है डिपार्टमेंट तो ऐसे बिठा रहे हैं जैसे अब हम कोई डाकू और क्रिमिनल हो गए लाल झंडे वाले को वैसे ही बदनाम कर रही है कि ये बदमाशी करते हैं हमारे खिलाफ कोई दिखा तो दो कि इन्होंने कोई बदमाशी की शांति प्रिय धरना है हमारा की लड़ाई आवाज बने तो बदमाशी गुंडे बदमाशी बीजेपी की यही रीत है कि कोई हक के लिए बोलता है तो बदमाश और गुंडा आतंकवादी पाकिस्तान सब कुछ हो जाता है वो तो आज आप 2 महीने से दिसंबर से ज्ञापन दे रहे तो ज्ञापन के ऊपर कोई असर भी हो रहा है या फिर बाबा आपकी जो आज नारों तक आपका सीमित लग रहा चाहे मंत्री जी कोठी हो चाहे MLA कोठी हो ज्ञापन का असर इसलिए नहीं लग रहा इसने 29 तारीख को अपने मन मुताबिक जो बोला वो अगर हम मान लेते तो उनकी जीत तीर ज्ञापन का असर भी था अब ये चाहते हैं कि ये उसी में बैठ जाएं विभाग के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि इनको तोड़ो किसी तरह क्योंकि उनकी जुमलेबाजी से अखबारों में उन्होंने निकलवाई रंग बिरंगी बातें उन लुभावने उन चीज़ों से हम उठे नहीं सरकार तो पीछे हटगिर विभाग को सौंप दिया ये काम कि तुम जैसे भी हो इनको तोड़ो इनको कमज़ोर करो और इनको काम पर वापस लेके आओ जब हम कर्मचारी नहीं हैं तो हमें टर्मिनेशन का डर FIR की जा रही है हमारे ऊपर झूठी जो झूठी FIR हैं और टर्मिनेशन किया जा रहा है कि इनको हटाओ हम दूसरी रख लेंगे हम पूछना चाहते हैं कि लगाना इतना आसान था तो हटा के कैसे दिखाओगे आप हमारी एकता मजबूती से हम खड़े हैं चलो भाई मैं MLA साहब से बात करने की कोशिश करूँगा जवाब मिल जाएगा टाइम मिल जाएगा तो क्योंकि MLA की कोठी के बीच में पुलिस बिठा दी ये है कि एक तरफ कर्मचारी हैं वर्कर हैं हेल्पर हैं और एक तरफ पुलिस डिपार्टी और वह MLA साहब कोठी के अंदर हैं अब बात करने की कोशिश करूँगा कि MLA साहब हैं या फिर कोई काम में बिजी है विधानसभा का क्षेत्र है भाई ज़्यादा काम रहे है के पता बिजी हो या फ्री होंगे हैं विधायक जी बिजी है क्या कला रहे हैं है? क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो प्लीज 2 मिनट टाइम दवाई वो आंगनबाड़ी वर्कर लीजिएगा खाना खा रहे हैं चलो भाई विधायक जी काम कर रहे हैं 1 बजे तो खाना खाने लग रहे हैं अच्छी बात है विधायक तो सजग है अब देखते हैं टाइम कितनी देर में मिल पाता है और विधायक जी ने यह पाल रखी के ना या तो गली की है जी अच्छा गली की है चलो इस तरह पाल दे 5-4 रुपये को ये तो गौ माता है कहीं भी बैठ सकती है बैठ सकती है अच्छी बात है तो रोटी दिया करो गौ माताओं को ऐसी इस तरह गौ माता होनी चाहिए विधायक के बाद ना गौ माता बैठी है तो बात करूँगा एक तरफ तो महिला बैठी है आंगनबाड़ी वर्करों रूम में हेल्परों रूम में ज्ञापन के साथ में और एक तरफ विधायक जी अंदर बैठे हैं अब 1:15 हो चुका देखते हैं कब तक या धरना पत्र चलता रहेगा और विधायक जी टाइम कितने दिन में देवे हमें Yeah.
बैनर का कुछ नहीं करना जी, आप आगे आ जाओ, इधर आओ, ज्ञापन दे दो आगे आगे आ जाओ, बाला को बुलाओ, बाला इधर आ जाओ, आप थोड़े भी चलो, आज शासन नहीं चाहिए, हमें लिखित में नोटिस चाहिए सर, तीन बार चार बार आपके दरवाजे आए हैं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, और लेकिन ये बेटियां सड़कों पे बैठी हैं, हम किसी की बेटी हैं, बेटियां ही तो बैठी होंगी आपकी बेटी, ये बेटी माँ बहुत सारे घर बार छोड़ के बैठी बहने हो आप, बेटी नहीं है आपकी तो बहन, फिर आप हमारी आवाज भी तो पहुंचा बैठा, अगर राखी बांध के जावांगे जब मनोगे बताओ सीधे कोथड़ी दी आगरे तो बहन मानो तो आपने तो किन्ने बिना हमारी आवाज बिना सुन आगे तो ही नहीं पूछा दे संख्या तो बहुत है, हमारे जिला के हमारे तीन धरने चले हैं, धरने पर भी बैठा रखी है हमारे तीन, ये धक्का तो बिठवाए हैं जी, अब तीन ने ना कोनी बैठने दे दी, हां जी कानून व्यवस्था की जगह का भी तो देखना पड़ता है, चली गई है दोबारा जगह का भी तो हिसाब देखना पड़ता है, जिस प्रकार से आप लोगों ने ज्ञापन दिया है यहाँ पे दो तीन घंटे प्रदर्शन किया है, ये मैं मानता हूँ कि आपका जो धरना है वो मेरे हिसाब से कामयाब होगा, इसके अलावा मैं कोई बात कहना नहीं चाहता, मैडम कमलेश डांडा को और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपका ज्ञापन पहुंचा दूंगा, बातचीत तो करिए, समाधान निकाले, 500 एक बार बढ़ाए, 400 एक बार बढ़ाए, वो नहीं सर, गलत है, वो अपने मुंह से मन की बात में, 2018 और वो सेंटर की हर पैसा आ रहा है, हर वो देना चाहिए, आप इन बोलन तो ही दिवाली का सब कोई तो दिया थी वो, और 2018 मोदी की घोषणा वो चाहिए, चलो ये तो आपकी इस पे डिमांड दिया है आपने लेटर, इनको हम अधिक से अधिक आपके रिलीफ पहुंचाने का काम करेंगे, और बातचीत के जरिए रास्ता निकलता है सर, ये नहीं है कि मौन होके दमनकारी नीति करके झूठी एफआईआर, बातचीत करेंगे हम मैडम कमलेश डांडा से भी और माननीय मुख्यमंत्री, जब भी बातचीत से रास्ता निकलेगा सर, दमनकारी नीति रास्ता निकालेंगे और ये काम हो जाएगा आपका, ठीक है।